मैं योगेश चंद्र शर्मा बीए पार्ट सेकंड भूगोल का दूसरा पेपर आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, इसमें हम कृषि प्रदेशों के संदर्भ में और उनकी विशेषताओं उनके वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी के निरंतरता में मैं अपना ये चौथा व्याख्यान कृषि प्रदेश और उनके गुणों के संदर्भ में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व हमने जो प्रथम प्रकार देखा कृषि का, जिसमें चलवासी पशुचारण था, और उसके नाम से हमें ऐसा लग सकता है कि क्या ये कृषि कृषि से संबंधित है, लेकिन जहाँ पर भूमि पर उपलब्ध वनस्पति और उसके उस पर आधारित पशुपालन से संबंध है, इस कारण से उसे हम एक सामान्य कृषि के अंतर्गत लेते हैं। और साथ ही वे चलवासी पशुचारक जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर 2-3 महीने तक निवास करते हैं, ऐसी परिस्थिति में कुछ कृषि कार्य उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा जो कृषि का प्रकार है वह स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, जिसको अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इससे हम सब परिचित हैं। यह कृषि का सबसे आदिम प्रकार है, यानी जब मनुष्य जाति ने कहीं पर स्थायी रूप से निवास करने का फैसला किया या उसे लगा कि हमें कुछ दिन तक यहाँ पर रहना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में वह आसपास के जंगलों को साफ करके और उसके कृषि कार्य को करता है। लेकिन इसके आदिम स्वरूप होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, मानव श्रम के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। फिर कुछ सालों तक वहाँ पर कृषि कार्य करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है भूमि की, तो ये अन्यत्र चले जाते हैं, और इस प्रकार से छोटे छोटे कबीलों में ये 3-4 साल तक किसी एक स्थान पर निवास करते हैं और उस क्षेत्र के वनीय भूमि को साफ करके और जंगलों को साफ करके या उन्हें जलाकर उस पर खेती करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं। और इस प्रकार से इस आदिम स्वरूप को अभी भी दुनिया के कई क्षेत्रों के अंदर हम देख सकते हैं। यह जो कृषि है लगभग 7,000-8,000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ माना जाता है, जो मानव ने भोजन संग्रह के स्थान पर भोजन उत्पादन को अपनाना शुरू किया। यहाँ पर यह जरूरी है कि हम मानव की विकास यात्रा को देखें, तो उसमें मानव का जो प्राथमिक कार्य था वो प्रकृति से प्राप्त भोजन, यानी वनों से आखेट के द्वारा मछली पकड़ने से इस प्रकार से जो भोजन प्राप्त होता था वह उस पर लगा हुआ था। उसके बाद जब विपरीत परिस्थितियों में जब भोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसने कृषि करने का कार्य करना प्रारंभ किया, और यह प्रारंभिक स्वरूप स्थानांतरणशील कृषि वैसी ही कृषि है। स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, यानी भूमध्य रेखीय जो कटिबंध है उसका 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इसके अंदर वर्षा वन पाए जाते हैं, विशेष रूप से ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका जिसमें कांगो प्रमुख है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के वो देश जो इस कटिबंध के अंदर आते हैं। वर्षा वनों तथा मध्य अफ्रीका के झाड़ीदार वनों, यानी सवाना जो क्षेत्र है वह भी इसमें आता है, के प्रचलित कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर से अभिप्राय ऐसा नहीं कि इनकी सभी ज़रूरतें उससे पूरी हो जाती है, लेकिन चूँकि यह इस कृषि के द्वारा उत्पन्न समस्त वस्तुओं का स्वयं ही उपभोग करते हैं, और कुछ जो वस्तुएं बचती है या जो सरप्लस होती है वो आपस में वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को दूसरे कबीले से या दूसरे मानव समुदाय से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह आत्मनिर्भर कृषि है, जिसमें कृषक अपने परिवार के लायक ही भोजन उत्पादन करते हैं। जो भी अधिशेष उत्पाद होता है उस वस्तु या पूंजी के बदले विनिमय कर लिया जाता है। इस प्रकार की कृषि स्थिर है या स्थिर होती है। इसकी प्रकृति स्थिर है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जो भी काम होता है वह मानव के द्वारा मानव श्रम से किया जाता है, और इसके जो औजार है वो परंपरागत प्राकृतिक जो लकड़ी के हल या खुरपे भाले जो उसके सामान्य रूप में उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं से ये कृषि कार्य किया जाता है।
तो इस प्रकार से कृषि को स्थिर माना गया जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम इस कृषि के स्वरूप का वितरण यदि देखें विश्व के अंदर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो ये कटिबंध है जिसमें बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक उष्णता रहती है, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर प्राकृतिक रूप से सघन वन पाए जाते हैं। तो ऐसे वर्षा वनों को साफ करके इसका इसकी कृषि की जाती है। और स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, साफ करो जलाओ और खेती करो। विश्व के विभिन्न भागों में इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए मध्य अफ्रीका में मसोले, मालागासी में टेवी, मध्य अमेरिका में मिल्पा, मेक्सिको में बर्बेका कोमिले, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में केमाडा तथा रोका, मलेशिया में लदांग, सुमात्रा में दिनजुना, जावा में हुआ, फिलीपीन में कैंगिन, थाईलैंड में तमराल, लाओस में रे, म्यांमार में टोग्या तथा श्रीलंका में चेना कहा जाता है। ये उनके स्थानीय नाम है। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि ये कितना व्यापक रूप से फैला हुआ है। अभी भी उन क्षेत्रों में जो बहुत ही दुर्गम और सघन वनीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजातियाँ निवास करती है वे इसी प्रकार की कृषि कार्य को करती है। तो वहाँ की जो स्थानीय बोली है उसमें इस प्रकार की कृषि के जो नाम है उनसे हम परिचित हुए। भारत में भी स्थानांतरित कृषि के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में यानी पूर्वोत्तर भारत में आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में झूम कहलाती है। इस कृषि को झूम या हम अंग्रेजी में झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। उड़ीसा में ये पौधू, कोमन और ब्रिंगा के नाम से जानी जाती है। और भारत का जो पश्चिमी घाट है उस घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यह जो स्थानांतरित कृषि है इसे वालरा कहा जाता है, विशेष रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही के जो सघन वनीय क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि होती है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में इसे पेंडा या दाहिया नाम से पुकारा जाता है। अब हम कृषि की ये जो स्थानांतरित कृषि है इसकी कुछ विशेषताओं को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। स्थानांतरित कृषि की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं, पहली प्रायः कृषक वनों को जलाकर भूमि को साफ करते हैं और दूसरी किसी साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक कृषि करते हैं तथा बाद में इसे कई वर्षों के लिए पड़ती छोड़ देते हैं। स्थानांतरित कृषि की निम्नलिखित अन्य विशेषताएं हैं, जैसे पहली है स्थानांतरित कृषि प्रायः छोटे गांवों में रहते हैं, कृषक प्रायः छोटे गांवों में रहते हैं तथा निकटवर्ती भूमि पर ही कृषि करते हैं। दूसरा प्रत्येक वर्ष ग्रामीण लोग अधिवास के निकट किसी क्षेत्र को कृषि के लिए चिन्हित कर लेते हैं। कभी कभी बुजुर्ग लोग वन भूमि में कृषि का स्थान चुनते हैं। कृषि के लिए पहाड़ी ढालों को वरीयता दी जाती है क्योंकि वे सुप्रवाहित होते हैं। अधिकांश कृषित क्षेत्र वनों के आंतरिक भागों में स्थित होते हैं। एक तो ये जिस इसको आप इस तरह से समझें कि पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों के जो पहाड़ी ढाल होते हैं वहाँ पर सामान्यतः पानी रुकता नहीं है और इस कारण से पहाड़ी ढालों पर इनकी कृषि की जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी प्रकार की कृषि भी होती है जिसमें पहाड़ी की तलैटी के अंदर छोटे से तटबंध बनाकर या एनीकट बनाकर उस पानी को रोक दिया जाता है और एक तलैटी के अंदर जो जहाँ पर पानी भर जाता है वहाँ पर चावल या ऐसी फसलें जिनमें जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उन फसलों को लिया जाता है। लेकिन स्थानांतरित कृषि जो है इसमें सामान्यतः पहाड़ी ढालों पर इस कृषि को किया जाता है और चुने हुए स्थानों पर वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट कर और वृक्षों के नीचे को झाड़ियों को चाकुओं से साफ करके और इस ढेर को जलाकर उसकी राख को उर्वरक के रूप में काम में ले जाता है। इस प्रकार साफ की गई भूमि को स्वीडन, मिल्पा, कैंगिन आदि नामों से पुकारा जाता है। कृषि क्षेत्र यानी जो खेती का जो स्वरूप है वो बहुत ही आदिम है। इस कारण से जो खेत है उनका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि एक परिवार जितने क्षेत्र में मानव श्रम के द्वारा कृषि कार्य कर सकता है उतना ही उसे विस्तारित किया जाता है। और इनमें रोपण से पूर्व खेतों को साधारण उपकरणों से जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, लकड़ी के हल आदि द्वारा साफ कर लिया जाता है। उन्नत जो हल है और माल भारवाहक पशु है उनका उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पर अभी बैलों का उपयोग हल चलाने के लिए किया जाता है।
और खरपतवार आदि को भी साफ नहीं किया जाता। जैसा कि हम उन्नत कृषि में देखते हैं निराई गुड़ाई का कार्य होता है, वह कार्य यहाँ पर सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो कहीं पर बीजों को छिड़क कर और कहीं पर रोपण विधि द्वारा इस खेती को किया जाता है। और एक ही खेत में एक पर अनेक फसलें बोई जाती है, क्योंकि यह एक जीवन निर्वाह प्रकार है जिसमें उस मानव समुदाय की या उस परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कृषि कार्य कर रहा है। इसलिए वो खाद्यान्न, जड़दार फसलें, झाड़ीदार फसलें और फलियां, मटर, केले आदि फसलों को उगाता है। इसमें मैनियोक यानी मीठा कसावा जो जड़ जड़ वाली एक फसल है, रतालू, मूंगफली, खीरा, टमाटर, फलियां, मटर, केला, इन सब का उत्पादन लिया जाता है। कहीं कहीं पर जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, कहीं गन्ना, कपास और कहीं पर मक्का, सोरघम, ज्वार, बाजरा तथा चावल भी उगाए जाते हैं। फसलों को निश्चित अंतराल यानी दूरी पर उगाया जाता है। अगली विशेषता है, एक बार साफ की गई भूमि पर 2 या 3 वर्ष तक फसलें उगाई जाती है। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता तेजी से घटने लगती है, खरपतवार तेजी से बढ़ती है, इससे भूमि को परती छोड़ना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार फसलें बोने की अवधि कम तथा परती भूमि रहने की अवधि लंबी होती है। भूमि के अनुर्वर या अनुपजाऊ हो जाने पर नई कृषि योग्य भूमि की तलाश की जाती है। परती भूमि छोड़ी गई भूमि पर पुनः प्राकृतिक वनस्पति उग जाती है, जिसे 6 से 20 वर्षों तक उसे छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार खेतों के बदलाव को खेतों की हेर फेर यानी फील्ड रोटेशन कहा जाता है। परंपरागत रूप से समस्त भूमि पूरे गांव की संपत्ति होती है। गांव का मुखिया प्रत्येक परिवार को भूमि आवंटित करता है। इसको आप इस रूप में समझें कि ये एक कबीलाई संस्कृति है, जिसमें एक मुखिया होता है जो पूरे गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है, और इस कारण से उसकी बात सभी मानते हैं। और सामुदायिक भूमि, कुछ सामुदायिक भूमि भी होती है जिसमें सभी वहाँ पर कार्य करते हैं। घटिया उपकरणों तथा बीजों, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, पशुओं द्वारा निरंतर हानियों, अनुर्वर मिट्टियों, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य ऐसी अनेक बाधाओं के कारण खेती पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी इनका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है बहुत ही कम होता है। सामान्यतः ये पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है, और अगर इन बाधाओं के कारण फसलें खराब हो जाती है या अकाल की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में इनके भारी संकट उत्पन्न हो जाता है। इसको ध्यान में रखकर अब जो ये मानव समुदाय है, इसने कृषि के साथ साथ कुछ बतख पालन, मुर्गी पालन या गाय, बकरी, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया है। अल्प भोजन उत्पादन की पूर्ति के लिए फिर ये आखेट भी करते हैं और मछली पकड़ने का काम भी करते हैं, और बस वनों से जो खाद्य सामग्री है, वस्तुएं हैं, उन्हें भी संग्रह करते हैं। स्थानांतरित कृषि 2 प्रकार की है, जिसमें केवल एक में जिसमें केवल फसल उगाई जाती है, तथा दूसरा जिसमें एक प्रधान फसल के साथ कई गौण फसलें उगाई जाती हैं। इनके गुणों के संदर्भ में बात करें तो उष्णकटिबंध में स्थानांतरित कृषि पर्यावरण से पूर्णतः समायोजित होती है। आर्द्र उष्णकटिबंधों में उर्वरकों के प्रयोग तथा वनों के काटे जाने से मिट्टियां विनष्ट होती है तथा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। स्थानांतरित कृषि को समाप्त करने से आदिम जातियों की संस्कृति नष्ट होने का खतरा है। दोष के संदर्भ में इसमें ये बात है कि यह कृषि प्राकृतिक संसाधनों तथा संपदा का विनाश करती है। जिस मात्रा में वनों को साफ किया जाता है, उतनी मात्रा में वापस वहाँ पर वन उत्पन्न नहीं होते या उनका विकास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह प्राकृतिक संसाधनों के विनाश से संबंधित है, जो एक आदिम प्रकार है और जिसमें परिवर्तन की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। भूमि प्रबंधन के अभाव में वन विनाश तथा मिट्टी का अपरदन भी होता है। इससे पर्याप्त तो भोजन का उत्पादन भी नहीं हो पाता, अतः यह कम आबादी का ही पोषण कर पाती है। इस समाज का आर्थिक विकास अपने प्रारंभिक चरण में है, तो जैसे जैसे इनमें आर्थिक विकास के प्रति जागरूकता आएगी, ये इस कृषि से दूसरी कृषि के अंदर, या जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी उन्नत कृषि के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दूसरा प्रकार था जिसको हम स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा है प्राचीन स्थानबद्ध कृषि, रूडिमेंट्री सीडेंट्री कल्टीवेशन। रूडिमेंट्री सीडेंट्री कल्टीवेशन
इसमें भी जो प्राचीन शब्द है इसका अर्थ ये है कि ये बहुत ही प्रारंभिक प्रकार की यानी आदिम प्रकार की कृषि है, लेकिन किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से मानव के बसाव के साथ ही इस कृषि को किया जाता है। इसमें पशुपालन और पशुओं का उपयोग भी कृषि के लिए किया जाता है, और साथ ही जो फसलें बोई जाती है उसमें अनाज के साथ साथ दूसरी व्यापारिक फसलें भी होती है, लेकिन फिर भी इसका जो स्वरूप है वो कमोबेश जीवन निर्वाह की रहता है, और इसमें उत्पादन की मात्रा भी कम होती है क्योंकि पूंजीगत व्यवस्थाएं कम होती है, उन्नत बीजों का अभाव है, साथ ही मशीनीकृत या तकनीक का अभाव होने के कारण आदिम प्रकार की यह कृषि छोटे छोटे मानव समुदायों का भरण पोषण करने के लिए और जीवन निर्वाह प्रकार की होती है। यह एक प्राचीन कृषि प्रणाली है, और इसमें स्थानांतरणशील कृषि में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें कृषक भूमि साफ करके फसल उगाने तथा काटने आदि का कार्य अधिक सावधानी पूर्वक करता है। इसके लिए उसे बेहतर उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह स्थानांतरित कृषकों की अपेक्षा अधिक उन्नत तरीके अपनाता है। यह कृषि पद्धति स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है, यानी इसमें उत्पादन की संभावना ज़्यादा है, उत्पादन सामान्यतः होता है। इसका वितरण यदि देखें तो प्राचीन स्थानबद्ध कृषि अधिकांश मध्यम दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सीमित है। इस मानचित्र में ये बता रखा है जिसमें ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है वो पूरा मध्य अफ्रीका इसमें आ रहा है, भारत का पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार और इंडोनेशिया के जो तीनों द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कालीमंतन, न्यू गिनी, इन सब में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इसमें जो विशेषताएं हैं खेतों के हेर फेर की अपेक्षा फसलों के हेर फेर प्रचलित है। इसमें भूमि तथा फसल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर खेतों के हेर फेर की अपेक्षा फसलों के हेर फेर से अभिप्राय ये कि वर्ष में जो फसलें बोई जाती है उन्हें बदल बदल कर या उनका एक फसल चक्र जो है उसका अनुपालन किया जाता है, और इस कारण से ये फसलें सामान्य से अधिक उत्पादन ले पाते हैं। कृषि विधियां अधिक सघन होती है, यद्यपि समस्त कार्य हाथों से ही किया जाता है। खेतों की जुताई गुड़ाई अपरिष्कृत उपकरणों द्वारा की जाती है, मानव श्रम अधिक प्रयुक्त होता है। इस कृषि में अधिकांश फसलें जड़दार तथा अन्न वाली होती हैं, जैसे आलू, मीठा आलू, मक्का, सोरधम, कस्सावा आदि। ये सभी निर्वाहक फसलें हैं, यानी अपने अपने स्वयं के काम के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त नकदी फसलें विशेष रूप से वृक्ष फसलें जैसे कहवा, कोको, तेल, ताड़, नारियल, रबर आदि का भी उत्पादन लिया जाता है। सघन कृषि से बड़ी जनसंख्या का पोषण संभव है, उसका निर्वाह तथा पोषण स्तर भी बेहतर होता है। दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक स्थानबद्ध कृषक बागानों में काम करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर लेते हैं। हाल ही में स्थानबद्ध कृषि में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ विकसित हुई है, जो कृषि के जो नए ट्रेंड्स हैं उनका प्रभाव इन कृषि इस प्रकार की कृषि पर किस प्रकार से हुआ है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे बाहरी संपर्कों के कारण स्थानांतरी जनजाति है लोग स्थायी बस्तियां बना लेते हैं। विगत समय में बाहरी लोगों के आ जाने से स्थानबद्ध कृषि का स्थान स्थायी कृषि ने ले लिया है। यूरोपीय लोगों के आगमन से ये प्रवृत्ति बढ़ी है, विशेष रूप से अफ्रीका का जो उपनिवेशीकरण है, इसलिए दक्षिण अमेरिका के जो उपनिवेश हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो उपनिवेश थे वहाँ पर यूरोपीय लोगों के द्वारा जो तकनीकी ज्ञान का प्रसार हुआ उसके कारण वहाँ की जो जो स्थानबद्ध कृषि थी वह अब विकसित कृषि में परिवर्तित होती जा रही है। और पशु द्वारा खींचे गए हलों, अधिक फसल देने वाली किस्मों, उर्वरकों तथा जल की उन्नत सप्लाई आदि कारकों ने प्राचीन स्थानबद्ध कृषि को नया जीवनदान दिया है। कुछ क्षेत्रों में स्थानबद्ध कृषि अत्यंत कृषि ओरिएंटल एग्रीकल्चर के रूप में विकसित हो गई है। ओरिएंटल से अभिप्राय पूर्वी, तो पूर्वी जो सभ्यताएं हैं उस तरह की जो कृषि है वो इनमें देखी जाती है। अब कृषक बेचने के लिए अधिशेष यानी सरप्लस उत्पादन करने लगे हैं, भूमि के कुशल प्रयोग की दिशा में नया परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन स्थानबद्ध कृषि में यांत्रिक ऊर्जा तथा पर्याप्त भंडारण की समस्याएं विद्यमान हैं।
यानी इसका जो ये प्रिमिटिव स्वरूप है यानी प्राचीन स्वरूप है, इस कारण से भंडारण की क्षमता कम है, विपणन की क्षमता कम है, परिवहन के साधनों का अभाव है और इस कारण से इसका स्वरूप जीवन निर्वाहक है, पर यह स्थानांतरित कृषि से कुछ उन्नत है और स्थायी रूप से जहाँ पर कॉलोनाइजेशन का या उपनिवेशकरण का प्रभाव पड़ा है वहाँ पर तकनीक के प्रभाव से इसमें सुधार आता जा रहा है। चौथा है सघन निर्वाहक कृषि, इसे हम अगले लेक्चर के अंदर सुन सकेंगे। धन्यवाद।